गुरदासपुर ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या 23 हुई। पंजाब के गुरदासपुर के बटाला में बुधवार शाम को आतिशबाजी कारखाने में हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या 23 पहुंच गई है, साथ ही 27 अन्य लोग इस घटना में घायल हुए हैं। हादसे में मरने वाले और घायल लोगों के लिए पंजाब सरकार ने मुआवजा घोषित किया है। एक महीने बाद कश्मीर में आज रात से कम करने लगेंगे सभी लैंडलाइन फोन। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने से पहले एहतियात के तौर पर लगाई गई पाबंदियों को लागू हुए एक महीना हो चुका है। राज्य में जीवन धीमे धीमे पटरी पर लौट रहा है। धीरे धीरे घाटी में हालात सामान्य हो रहे हैं। श्रीनगर की जिला मजिस्ट्रेट शाही चौधरी ने कहा है कि आज रात से ही घाटी में ज्यादातर टेलीफोन सेवाएं चालू कर दी जाएगी। दरभंगा में बिहार संपर्क क्रांति की कोच में लगी भीषण आग। नई दिल्ली दरभंगा बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी में बुधवार रात अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की घटना में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग की सूचना पाते ही मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। मुंबई में 7 घंटे तक रनवे पर खड़ा रहा इंडिगो विमान, लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिला। मुंबई से दिल्ली जाने वाले इंडिगो विमान में बुधवार को कई यात्रियों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। दरअसल इंडिया का विमान रनवे पर तकरीबन 7 घंटे तक खड़ा रहा, जिसकी वजह से विमान में यात्रियों को काफी परेशानी हुई। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंडिया ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।